सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मेरे पास मोबाइल है नोकिया 105 2019 का मॉडल है। तो ये देखें, मैं पावर ऑन कर रहा हूँ, ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। कस्टमर का कहना है कि उनसे गिरा है मोबाइल, तो उसके बाद ये बंद हो गया। तो सबसे पहले टर्मिनल की जीआर लेते हैं। ये देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका बिल्कुल ओके है। ये बीएसआई, ये भी ओके है। ग्राउंड तो ऑलरेडी बिल्कुल ठीक होता है इसका। तो ये मॉडल इसका देख लें, TA1174। वीडियो को मैं जल्दी से स्किप कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को समझ आ जाए और जल्दी से ये फॉल्ट हम इसका मालूम कर सकें। तो चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश होगी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रिपेयरिंग की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल के बोर्ड पर कोई भी काम नहीं किया हुआ, सिर्फ चार्जिंग जैक इसका टूटा हुआ है। एक बार इस मोबाइल को हम डीसी पावर सप्लाई पे भी ऑन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उस पर ऑन होता है कि नहीं, कोई रीडिंग आती है या नहीं। मीटर पे तो बैटरी टर्मिनल की सबसे पहले हमने जीआर ली, वो बिल्कुल ओके। तो पावर सप्लाई के साथ जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये मोबाइल बिल्कुल डेड है, कोई भी पावर नहीं ले रहा, बिल्कुल कोई एम्पेयर नहीं ले रहा। ठीक है, तो इस सूरत में हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे, इसका पावर की देखेंगे, क्योंकि कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है इस पे पावर सप्लाई पे। तो पावर की प्रेस करने पे अगर कोई एम्पेयर ना ले तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका पावर की जो है वो ओके है या नहीं। तो ये देखें, ये ग्राउंड, ये तो ठीक है, और ये देख लें, ये सेंटर वाला जो है इसका पॉजिटिव पॉइंट पावर बटन का, ये देखें इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, तो जिसकी वजह से मोबाइल बिल्कुल डेड है, चार्जिंग जैक भी टूटा हुआ है। अगर चार्जिंग पे लगाएं शायद चार्जिंग तो ये करेगा, लेकिन ऑन नहीं हो रहा। तो मैं आप दोस्तों को बता दूं, ये इसका पावर का पॉइंट जो है मैं आप दोस्तों को चेक कराता हूं। बीच में काफ़ी हमारे दोस्त नए होते हैं जिनको बिल्कुल मालूमात नहीं होती कि इसकी पावर की लाइन कहाँ से है, तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए। ये देख लें, ये पावर बटन का प्लस पॉइंट है ये वाला, और यहाँ पे होते हैं ज़ीरो हम का रजिस्टर जो कि टूटा हुआ है। ये देखें बैक साइड से आईसी से इसकी जीआर आ रही है, लेकिन आगे बटन में नहीं जा रही, ये देख लें। ठीक है, तो सिंपल सा हमने एक ही जंपर लगाना है यहाँ पे। ये ज़ीरो हम का रजिस्टर भी आप लगा सकते हैं, ये जंपर में कर रहा हूँ। ठीक है, जो आईसी से जीआर आ रही है ऊपर पावर बटन में नहीं जा रही, इसको हम शार्ट करेंगे तो ये पावर के जो प्लस पॉइंट पर इसकी जीआर चली जाएगी। तो ये देखें, एक ही जंपर मैंने लगाई है। इस तरीके से आप ये स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है दोस्तों। छोटा सा फॉल्ट था, लेकिन चेक करने से हमें मालूम हुआ कि इसके पावर के बटन में मसला है, जिसकी वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। तो अभी दोबारा से चेक करते हैं, इसमें जीआर देखते हैं। ये देख लें दोस्तों, ठीक है, मोबाइल को पैक करने के बाद आप दोस्तों को चेक कराते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप दोस्तों को इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो अगर हमारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल रिपेयरिंग की मज़ीद वीडियोस भी आप दोस्तों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मोबाइल को पैक करने के बाद मैं इसमें बैटरी डालता हूं और चेक करते हैं कि मोबाइल ऑन होता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, यही था इसके पावर की का मसला, जिसकी वजह से मोबाइल पूरा डेड था। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।